क्या हरियाणा चुनाव में होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी चर्चा चल क्यों रही है। हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि गठबंधन की चर्चा पर आप नेताओं ने क्या कहा, साथ ही बताएंगे कि आखिर आपके साथ गठबंधन करने के पीछे राहुल गांधी की रणनीति क्या है। देखिए, चर्चा चल रही है कि अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकते हैं। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, हालांकि इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब फिर एक बार गठबंधन की सुगबुगाहट होने लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की गुंजाइश पर राज्य के नेताओं से राय मांगी है। सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से बातचीत करते हुए राहुल गांधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के पक्ष में दिखे। सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशने को कहा। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या हरियाणा चुनाव में आप और कांग्रेस का गठबंधन होता है। राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये फैसला हाईकमान करेगा। अभी दो दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर हो के आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है, पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। वाले समय में जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस को ये भान हो रहा है कि साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं अगर सीटों पे बातचीत हो, चर्चा आगे बढ़े? देखिए, तो मेरा विषय नहीं है, कमांड का विषय है, लेकिन प्रदेश यूनिट के को तो अध्यक्षता आप ही करते हैं। प्रदेश के विचार अगर हाईकमांड मेरे से पूछना चाहेगी तो मैं हाईकमांड के सामने अपने विचार जरूर रखूंगा। साथ ही आइए आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपक बाबरिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है, जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर डिस्कशन किए जाते हैं तो कितनी सीटों पर सर बात बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है? अभी मैं नहीं बता सकता हूँ सर। कितनी सीटें कुछ मांगी गई है, क्योंकि लोकसभा में एक सीट मांगी गई थी, ये जो है डिटेल मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं सर? क्या समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं? क्योंकि वो भी आपसे अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, कहते हैं उसकी है जो इच्छा व्यक्त करते हैं, मगर कॉन्क्रीट डिसीजन जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में भी गठबंधन हुआ था। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, मगर गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़े पर सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी की नजर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर टिकी हुई है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के पीछे राहुल गांधी की सोच क्या है, रणनीति क्या है। क्या हरियाणा में अलायंस के बहाने दिल्ली में और मजबूत होना चाहते हैं राहुल गांधी? दरअसल राहुल गांधी बहुत दूर तक देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य में अगर बीजेपी थोड़ी और कमजोर होती है तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की गुंजाइश बन सकती है। राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए अभी केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना बहुत दूर की बात है। दूसरी बात यह भी है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता भी है तो पीएम पद के लिए कई दावेदार हो सकते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी सोची समझी रणनीति को ध्यान में रखते हुए गठबंधन को बढ़ावा देने की सोच रहे हैं। राहुल शायद समझ गए हैं कि गठबंधन धर्म निभाना है तो बीजेपी की तरह कुर्बानियां देने को तैयार रहना होगा। जाहिर है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बातें उन्हें पहले से नहीं पता होंगी या नहीं बताई गई होंगी, पर राहुल गांधी का मकसद राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन को महाविपक्ष के रूप में खड़ा करना है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि हरियाणा में क्यों फायदेमंद हो सकता है कांग्रेस और आपका गठबंधन, क्योंकि बहुत से जानकार इसको भी बहुत अहम बता रहे हैं। दरअसल आपका प्रभाव दिल्ली की तुलना में हरियाणा में कम है, लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी को 4 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छे रिजल्ट मिले।
आपकी मौजूदगी इस दौड़ में रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से बीजेपी या कांग्रेस से वोट छिटक सकते हैं। अगर 2024 के लोकसभा परिणाम की बात करें तो समझ में आएगा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 में बढ़त हासिल की, कांग्रेस ने 42 में और आम आदमी पार्टी ने 4 में बढ़त बनाई। इस तरह लोकसभा चुनावों के समय में अगर विधानसभा चुनाव होता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन मिलकर 46 सीट हासिल कर लेते, मतलब कि सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लेते। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अभी मजबूत स्थिति में नहीं है, फिर भी उसकी सीटों की डिमांड बहुत ज्यादा है। जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी की हैसियत हरियाणा में 3 से 4 सीटों से अधिक की नहीं है। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ था। कांग्रेस का मानना था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट अगर उनके खाते में रहती तो हो सकता है कि बीजेपी को यहां से हार मिलती। अब ऐसे में देखना यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है या नहीं। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को विधानसभा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग होनी है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।